उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को कि जिस दिन वक्त बदलेगा, कैसे बताऊं इन लोगों को कि जिस दिन वक्त बदलेगा मेरा विश्वास भी बदलेगा। तो फिर ये पागल इन लोगों को ही नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। तो चलिए आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप सबको बता दूं कि आज हम लोग क्या नया चीज सीखने वाले हैं। तो मैंने क्लास पीरियड में स्टडी कराते हुए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूं कि डीएनए और आरएनए तो पढ़ लेते हैं लेकिन कंफ्यूजन बना ही रहता है। तो चलिए आज से क्लास को ज्यादा देर ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ते हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ हमारे चैनल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करें। इससे होगा क्या कि जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलिए ज्यादा तामझाम ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे डीएनए और आरएनए को। चलिए तो हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे डीएनए और आरएनए को सीखेंगे, ठीक ना। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था हाई बीपी एंड लो बीपी के बारे में सीखा था। तो जैसे कि आप लोगों को बताया कि सबका बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि बिना बेस के हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। जैसे कि आपसे अगर बोलते हैं कि चार तला पे चढ़ना है तो सबसे पहले कहाँ पे जाइएगा, जो एक तला का फर्स्ट फ्लोर है उसके पहला सीढ़ी पे चढ़ोगे ना, या कि स्पाइडरमैन हो। तो स्पाइडरमैन वो फिल्म में होता है कि वो क्या करता है, एक बार 20 तला पे चढ़ जाएगा और 20 तला से नीचे कूद जाएगा, फिर भी उसको कुछ नहीं होता है। आप लोग ट्राई ना करना, ठीक ना। तो आप लोग ट्राई करोगे तो ऊपर चले जाओगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के सबसे पहले इसके बेसिक चीज को समझते हैं। तो बेसिक चीज को समझने से पहले आप समझो कि डीएनए का मतलब होता क्या है, ठीक ना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक ना। तो फुल फॉर्म भी क्या होता है कभी कभी पूछ देता है। जैसे मान लीजिए पूछेगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और उसमें चार वो क्या करेगा, ऑप्शन बना करके दे देगा, ठीक ना। अगर आपको पता है तो क्या करोगे, टिक करोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। तो कम से कम इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे एक बात आपसे बताते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि मिश्रा जी है, तो जानते हो कि मिश्रा जी है तो पंडित जी है ना, तिवारी जी है तो पंडित जी है, कुशवाहा जी है तो क्या है, पंडित जी है, नहीं कुशवाहा है तो कोरी हुआ है, अगर मतलब उसमें और भी आते हैं, ठीक ना, पैठान है चाहे अली है, तो जानते हो मुस्लिम। ये क्या है, ये पॉइंट सबको याद है ना। तो तुम लोग क्या करते हो, मतलब टाइटल से पकड़ लेते हैं कि फलाना कौन है, ठीक ना। तो कुछ इसका भी तो टाइटल जो होता है सबको याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मान लो कि डीएनए क्या होता है। तो सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म जानो, उसके बाद से ना आगे बढ़ेंगे हम। तो चलिए डीएनए का फुल फॉर्म तो जान गए, तो सबसे पहले समझिए कि डीएनए सबसे पहले कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इस एक ही चीज पे ध्यान रखना कि डीएनए वहीं पर पाया जाता है जहाँ पे न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है, ठीक ना। तो केंद्रक कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, हम यहाँ पे आप लोग को रिनोट किए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्या है, तो केंद्रक के अंदर ही तो सब पाए जाते हैं ना। केंद्रक के अंदर क्या ये सब पाए जाते हैं। और देखिए हम लिखे हुए हैं कुछ कि डीएनए क्या है, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक ना, जो प्रोटीन के साथ मिल करके क्रोमोसोम बनाता है, ठीक ना। क्रोमोसोम के बारे में कुछ बता दें, देखिए हाँ गुणसूत्री बोलते हैं, क्रोमोसोम यानी कि क्या, शुक्राणु हुआ, ठीक ना। तो शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु तो नर से मिलता है और अंडाणु क्या होता है, मादा से मिलता है। तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे बहुत ही अच्छा तरीका से, लेकिन हम लोग का क्लास इसमें अभी ये है, ठीक ना। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम बनाता है, यह कोशिकाओं के अंदर धागे के रूप में होता है, कौन, डीएनए। अगर बोला जाए ना तो यहां से लेकर के सूर्य के पास तक तो 300 बार आओगे जाओगे ना तब ये डीएनए का जो धागा है ना खत्म होगा। तो आप सोचो कि ये डीएनए कितना बड़ा है, ये धागे के रूप में होता है जी सूर्य के पास। तो सूर्य का दूरी आप लोग समझ लो,
यहां धरती से सूर्य का दूरी समझ लो, तो 300 बार आएंगे जाएंगे तब उतना शरीर के अंदर से मेटेरियल खत्म होगा। जी 300 बार। तो ये संरचना हम लोग का शरीर में ही है, तो कितना पतला एकदम धागेनुमा संरचना होगा जो मतलब इतना बड़ा हो सकता है, ठीक ना। तो देखो तो ये क्या है, ये अंदर धागे के संरचना होती है और डीएनए का कुछ मात्रा केंद्रक के अलावे, केंद्रक में ही नहीं सिर्फ डीएनए पाया जाता है, उसके अलावे भी कुछ ऐसे पार्ट है जो तीन चीजें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा उसको। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या संग्रहित होता है? ऊर्जा संग्रहित होता है ना, कि वहीं से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऊर्जा, तो हम लोग कोई भी वर्क कर पाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताए थे आप लोगों को हम, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? हाँ, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। अब आगे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अनुवांशिकी, ठीक ना। अनुवांशिकी का मतलब जानते हो आप लोग? वंश के अनुसार तो होगा ही। जैसे देखिए अनुवांशिकी लक्षण क्या होता है, जैसे कि देखिए अनुवांशिकी लक्षण का मतलब होता है कि आपके माता पिता में कौन सा लक्षण है। तो लक्षण तो कहोगे कि हमारे माता जी चाहे हमारे पिताजी मरखा है, तो वो लक्षण नहीं आता है, मात्र वैसा कम से कम वो 2% के आसपास उस प्रकार का आ पाता है, ठीक ना, वैसा में नहीं आता है। हाँ लक्षण का मतलब हुआ कि आपके माता जी के पास दुगो आंख है तो आपके पास भी दुगो आंख है, एगो नाक है तो एगो नाक है, मुंह है, दांत है, हाथ है, कान है, ये सब आता है, बाल ये सब आता है, ये अनुवांशिक लक्षण हुआ। तो कुछ समानताएं भी होती है तो कुछ भिन्नताएं भी होती है, ठीक ना। तो समानताएं क्या हो गई? दुगो हाथ, आंख, नाक, कान, मुंह, गोड़, ये सब हो गया ना। और भिन्नताएं क्या हो गई? चेहरा एक जैसा नहीं है। क्या आपके माँ से आपका चेहरा मिलता है, आपके पिता से चेहरा मिलता है? तो वो जुड़वा बच्चे होते हैं ना। देखिए वो एकदम जरा सा होता है तो हम बोले नहीं कि उसको 2-4% ऐसा होता है जो मैच करने के लिए होता है, लेकिन आप कहोगे कि माता जी के समान ही उसका क्या है चेहरा है, पिताजी के समान ही, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कब? जब उसका क्या होता है, जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, उसमें भी दो कंडीशन है, ठीक ना। एक तो होगा कि जुड़वा बच्चे जो होंगे ना एकदम सेम जैसा होंगे, हाँ, तो उसके लिए अगर उसको देखना हो तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक वीडियो पड़ा हुआ है जुड़वा बच्चा का, ठीक ना, बड़ा सुंदर है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसका बहुत सारा कंडीशन होता है, ठीक ना, हम बताए हैं उसमें, अब चाहो तो जाके देख सकते हो। तो देखिए ये अनुवांशिकी मतलब बता दिए, लक्षण कैसा होता है जो माता पिता से क्या होता है संतान में रिलीज होता है, ठीक ना। तो लक्षण का मतलब ये मत समझना कि हमारे माता जी अगर डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टर होंगे, हमारे पिताजी ऑफिसर है तो हम भी ऑफिसर होंगे, नहीं, ये आपका लक्षण है, उसके बाद से अर्जित करना पड़ता है, ठीक ना, बाहर से आपको अर्जित करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि आज हम आप लोग को ये बायोलॉजी चाहे जो भी मैथ वगैरह जो भी पढ़ाते हैं, तो मान लो कि आने वाला जो मेरा पीढ़ी होगा, जो मेरा संतान होगा, वो क्या होगा, वो भी एकदम मास्टर होगा? नहीं, ऐसा नहीं, बदमाश भी हो सकता है, ठीक ना, नेता भी बन सकता है, ऑफिसर भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बाह्य अर्जित करना पड़ता है, ठीक ना। लक्षण का मतलब समझे क्या होता है, कौन सा लक्षण आ सकता है, ठीक ना। तो कुछ समानताएं भी होती है और कुछ भिन्नताएं भी होती है, ठीक ना। आगे देखो दो कंडीशन होता है, ठीक ना, ये दो ही प्रकार के होते हैं। मान लो कि जंतु है तो उसमें भी तो पाया जाता होगा ना, और हम लोग तो हमें भी तो पाया जाता है ना। तो हम लोग जो भी इंसानी रूप होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ये वृत्ताकार होता है, नहीं सॉरी सर्पिलाकार होता है, और ये सब जाओगे तो कुछ में वृत्ताकार भी पाया जाता है। तो आप ऑप्शन देख लेना क्या दिया हुआ है। सर्पिलाकार देखो तो ये सांप के जैसा नहीं है, ठीक ना, तो इसे ही सर्पिलाकार बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। तो कुछ संरचनाएं अलग अलग प्रकार की होती है, माता इसमें वही प्रकार की संरचना होती है, ठीक ना। अब देखो अगर पूछे कोई इसमें, ये देखो ये पदार्थ क्या है, ये पदार्थ इसको हम लोग क्षार बोलते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना सर बताएंगे, तो आप लोगों को क्षार के बारे में बढ़िया समझा देंगे, ठीक ना। तो देखिए ये पदार्थ जो पाया जाता है इसमें कितना प्रकार के होते हैं, एडेनिन, जी, तो ये एडेनिन हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक ना। जैसे मान लो कि बेंजीन वर्ड हो गया, ये सब इस प्रकार का संरचना पढ़े हो तुम लोग केमिस्ट्री में, इस प्रकार का बना करके CH4 ऐसा कुछ होता है ना सब, ठीक ना। तो आप जाओगे ना तो ये जितना भी है ना सबका संरचना ये होता है, एडेनिन का संरचना होता है, ग्वानिन का संरचना होता है, साइटोसिन का संरचना, थायमिन का संरचना होता है, ठीक ना। तो बस आप लोगों को याद इतना ही रखना है कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अब देखो अगर कोई पूछता है कि बताओ बाबू इसका खोज किसने किया, जेम्स वाटसन,
जेम्स वाटसन और क्रिक, ये दोनों फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे जेम्स बहुत ही कम लोग जानते हैं, बस वाटसन एवं क्रिक दो ही चीज जानते हैं, वाटसन एवं क्रिक, ठीक ना। तो ये वाटसन और क्रिक ने कब खोज किया था इसका, 1953 में खोज किया था, जिसके लिए इन दोनों को क्या किया, पुरस्कार दिया गया, कब, 1962 में मिला हुआ था। अब देखिए इसके संरचना के माध्यम से भी हम लोग कुछ सीखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, हर चीज यहाँ पे क्लियर होगा। ऊपर जितनी भी जानकारियां मिली है सब इतना इसी में से निकल करके गया हुआ है, ठीक ना। अगर इसका संग्रहित रूप को हम बोले ना, इसका संग्रहित रूप क्या है, ये पूरा इसका संग्रहित रूप है, जिसे हम लोग बोलते हैं गुण सूत्र बोलते हैं, ठीक ना। ये गुण सूत्र तो पूरा हो गया ना, गुण सूत्र के अंदर ही डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, जीन्स, क्रोमेटिन, डबल हेलिक्स, ये जब जो होता है ये सब उसी में पाया जाता है, ठीक ना। तो ये क्रोमोसोम के अंदर ये सब होता है, ये जितना भी चीज दिया गया है ना, ये क्रोमोसोम के अंदर ही होता है। तो जैसे देख लो कि कुछ काम होने के बाद से कुछ लोग जाते हैं कुछ काम करने, नहीं समझे, देखो ये क्या किए थे, ये जेम्स वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, इसका तो खोज कर दिया, ठीक ना। लेकिन होता है ना कि उसके बाद से एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानसन, ठीक ना, क्या नाम था, जोहानसन जी थे ना, वो गए। आप जानते हैं गुण गुण सूत्र क्या होता है जी, माने एक जगह पे दो गो रहता है इकट्ठा, जुड़वा रहते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ गुण सूत्र की संख्या तो 46 और जोड़ा तो 23, जोड़ा तो 23 जोड़ा होता है, ठीक ना। तो देखो ये जोड़े के जैसा नहीं लग रहा है जी, लग रहा है ना कि जुड़ा हुआ है। अब देखो उसके बाद से ये हम लोग का इसी के आकार का होता है गुण सूत्र, ठीक ना, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। लेकिन आप देखो कि इसके अंदर खींचे है तब नहीं लम रहा है जी, लेकिन ये है तो इसके अंदर का ही संरचना, ठीक ना। इसके अंदर मान लो कि धागा देखे हो ना, गिटी रहता तो एक ही जगह पे है, खींच के लेके जाएंगे कितना दूर जाता है, कुछ आकार तो बनेगा उसका। तो देखो जोहानसन जी थे, वो गए देखे कि इसमें हम कुछ अपना कलाकारी दिखाते हैं, ठीक ना। और कलाकारी दिखाते दिखाते उनको क्या मिला, ये नीचे में मिला, वो नीचे ही मिला, वो चाहते तो यहाँ से भी काम कर सकते थे, यहाँ से भी यहाँ से, तो वो अभी ऊपर जाने में समय लगता, तो सोचा कि नीचे से तो गए ना इसको टच करने के लिए, तो इनको लगा कि क्या ये तो लुपुर झुपुर है, ठीक ना। तो क्या किए, इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे किए ना, तो इनको लगा कि तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा खींचे थे, ठीक ना, तो एकदम हल्का सा खींचे थे ना, तो बस इतना ही हुआ, जिसे क्या बोला गया, डीएनए बोला गया। वहां से भी उनका पेट नहीं भरा, उसके बाद से और क्या किए हो, और खींचे हो, और खींचते खींचते लमड़ा दिए खूब आगे तक, ठीक ना। लेकिन उनको पूरा नहीं खींच सकते थे, ठीक ना, पूरा खींचने के लिए उनको सूर्य के पास से यहाँ तक 300 बार आना जाना पड़ता, ठीक ना, तो ये तो पॉसिबल था नहीं, ठीक ना। अब देखिए खींच देने के बाद से ही जो आकार बना, जो संरचनाएं बनी, आपको कहीं पर भी जाइएगा तो इस प्रकार का किताब में संरचना नहीं मिलेगा। आपको जो भी संरचना मिलेगा ना, तो इस प्रकार से ही संरचना मिलेगा आपको किताब में, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये सारी चीजों इस चीज को नहीं दिखाया जाता है, ठीक ना, इतना ही चीज को दिखाया जाता है, ठीक ना। तो आप ये ना समझोगे कि सर ने ऐसा बताया और कहीं पर ऐसा मिल गया, सर ने ऐसा बताया तो फिर कहीं पर ऐसा मिल गया, तो दोनों के दोनों कोई भी गलत नहीं है, ठीक ना, दोनों के दोनों अपनी जगह पे सही है। ये तो आप लोग को इसीलिए बताना पड़ा कि वो लिखाना पड़ा, वो आप समझने के लिए, ठीक ना। जोहानसन गांव में ऐसे बोलते हैं ना कि जाना है किसी को जोहने, अरे खोजने कौन बोलता है, बहुत कम लोग बोलते हैं, ठीक ना, जोहने बोलते हैं ना। तो आप इसको ट्रिकी वे पे याद कर सकते हो, जोहानसन जी थे आज जोहने गए, आज जोहने गए तो फिर दो चार को माने क्या किए, रह करके चले गए। पहले हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो उस समय जो क्या बोलते हैं पत्रिका आती थी याद करने के लिए, करंट अफेयर, तो समझो इतना पतला पतला था। आज जब से मोदी जी बने हैं ना प्रधानमंत्री, तब से पत्रिका पता है कितना मोटा मोटा आने लगा, इतना मोटा मोटा, अरे का है, आ तो फिर वो देश में गए ये समझौता, तो सारा वो आएगा ना करंट अफेयर में, तो किताब आपका एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। तो इसका बोझ किस पे पड़ा, विद्यार्थियों पे पड़ा ना, हम लोगों पे पड़ा। तो उसके अब आप समझो कि जोहानसन जी गए थे, इतना ही खोज के काम नहीं चलाते, इतना खींच के काम चला लिया होते तो डीएनए सिर्फ मिला होता, ठीक ना, लेकिन पेट नहीं भरा तो क्या किए, और आगे तक खींच के लेके गए, तो देखो क्या क्या मिला हुआ। अब जो संरचना बना उसमें, तो ये जो संरचना बना है यहां से लेकर के इस प्रकार का जो ये बना हुआ है, इस संरचना को हम लोग क्या बोले, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड इंटर का बड़ा ही अच्छा ये क्या है, मतलब कि टॉपिक है, ठीक ना, उसमें पढ़ना होता है। अभी न्यूक्लियोटाइड पढ़ोगे तो उसका एक क्लास लग जाएगा आपको,
ठीक ना। तो इसलिए आप सिर्फ इसमें नाम जानोगे, ठीक ना, और अगली क्लास में जाओगे आप लोग तो वहां पे सब चीज सीखेंगे, ठीक ना। तो देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब देखो यहां से इस प्रकार का जो बना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं ये वाला। अब उसके बाद से देखो इसके बीच में जो ये संरचना बनती है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक ना, देखो ये वाला इसको बोलता है, ठीक ना। ये जो होता है ना यही न्यूक्लियोटाइड होता है, ये अंदर वाला जो होता है ना यही न्यूक्लियोटाइड होता है। लेकिन इसके बीच का अगर पूरे संरचना की हम बात करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। इसी के चलते क्या होता है, मैंने वो क्या बोलते हैं उसका लक्षण अगला जो संतान मतलब कि पीढ़ी होता है ना उसमें जाता है इस जीन के चलते ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट जीन हुआ, ठीक ना। अब देखो ये जीन हुआ डीएनए के अंदर, ये डीएनए हुआ क्रो ठीक है गुणसूत्र के अंदर, ठीक ना। जैसे कि आप लोग को हम बताए थे ना हीमोग्लोबिन के बारे में, ये क्या होता है आरएनए के अंदर क्या होता है वही, हाँ आरबीसी पढ़ते हो तो उसमें क्या पढ़ना था हम लोग को, आरएनए पढ़ना था ना, सॉरी आरएनए ने आरबीसी पढ़ना था। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। तो अब कहने का मतलब हर चीज जो होता है कम बीस के कारण शरीर में बहुत सारे इफेक्ट पहुंचता है, ठीक ना। उसके बारे में हम बताए थे हाई बीपी लो बीपी में, ठीक ना। तो चलिए उसके बाद से हम लोग जानते हैं। अब देखो जहां पे ये बॉन्ड मिलता है, ठीक ना, जो बॉन्ड मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक ना। और आप जानते हैं ये सिंगल हेलिक्स है नहीं, ये क्या है डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स क्यों बोला जा रहा है कि ये देखो ये सिंगल नहीं चल रहा है, इसके साथ एक और लाइन भी चल रहा है, इसीलिए क्या हुआ डबल हेलिक्स। अब इसको चाहो अब याद करोगे, ये सारा चीज याद करने वाला है, ये याद करने वाला चीज नहीं है। तो ये था हम लोग का डीएनए था, ठीक ना। तो डीएनए के अंदर भी ये देखो, अभी कहने का मतलब ये है कि इसमें अभी बहुत सारे चीजें, आप इसको न्यूक्लियोटाइड को पढ़ोगे, क्रोमेटिन को पढ़ोगे, डबल हेलिक्स जो होता है उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। लेकिन अभी इसका नाम से हम लोग परिचित होंगे, ठीक ना, और अगले क्लास में हो सकता है उसको भी हम बता दें आप लोगों को। तो ये था हम लोग का डीएनए, ठीक ना। अब उसके बाद से देखो आरएनए क्या होता है, आरएनए का हम फुल फॉर्म लिखे हुए यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक ना। अब देखिए अगर इसका पूछा जाए कि ये आरएनए होता है इसका खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिशर जी थे, ये शायद अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक ना। थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा है लेकिन ये क्या थे, अमेरिकी ही वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिशर, ठीक ना। इन्होंने क्या किया था, आरएनए का खोज किया था। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना है कि आखिर आरएनए जो होता है इसका काम क्या होता है। राइबोसोम के बारे में आप लोग को हम पढ़ाए हैं, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना। एक बात बताओ, अगर हम बोलते हैं रोटी को बनाने के लिए तो सिर्फ रोटी को बनाने के लिए बोलेंगे तो जो रोटी बना रहे हैं सिर्फ वहीं तक सीमित है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गेहूं को धुलाना पड़ेगा, आटा को पिसाना पड़ेगा, उसके बाद से आएगा तब ना। तो इसमें बहुत सारे लोग कार्यरत रहते हैं ना, एक आदमी से तो होता नहीं है, क्या एक आदमी रोटी बना लेता है, बनाने के लिए तो बना सकता है, इसको सारा काम अकेले करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसमें देखो इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ ये आरएनए क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, ठीक ना। जैसे देखो हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जो ऑलरेडी 10 होता है हम लोग के शरीर में, ठीक ना। 10 गो होता है, बचा कितना, 10 गो और बनाना है ना, वो नहीं बनेगा तो शरीर हम लोग का कमजोर होगा, अनेक प्रकार की बीमारी होगी, ठीक ना। अब देखिए देखिए एक बात और, हम कितना भी पढ़ा ले अगर ध्यान से नहीं सुनोगे, अच्छा देखो यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए तब घंटे दो घंटा रहते हो तो आप लोग का क्या मुख्य काम क्या हुआ, अरे कम से कम घंटा भी तो सुन लो बढ़िया से, एक घंटा सुन लोगे आने वाला भविष्य दूसरे को सुनाओगे ना। अगर एक घंटा भी सुनने का क्षमता नहीं है तो फिर आने से समय बर्बाद होगा ना। एक बात आप लोग से बताते हैं, माला देखे हो, हार हार दो प्रकार के होता है जी, एक वो शादी विवाह में जो महिलाएं पहनती वो हार होता है, और एक हार होता है फूलों का हार, ठीक ना। वो फूलों का जो हार होता है ना मंदिरों में भगवान को चढ़ाया जाता है, और बड़े बड़े जो लीडर होते हैं ना, बड़े बड़े जो आदमी होते हैं उन लोग को पहनाया जाता है। तो एक छोटी सी बात है आप लोग हम बताते हैं कि एक सम्मेलन चल रहा था, ठीक ना। उस सम्मेलन में क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने आया और एक बहुत बड़े लीडर थे वहां पे, जिन्हें क्या किया गया, हार पहनाया गया,
अब कहने का मतलब लीडर कौन, जो हर तरह से सक्षम होता है, ठीक ना, बहुत बड़ा पूंजीपति और बहुत बड़ा व्यक्ति वो होता है भाई लीडर। ऐसे ही सबको हार थोड़ी पहना दिया जाता है, कोई अच्छा काम करता है तब तो हार वो पहना हुआ है ना। तो पता है वहीं पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो क्या पूछता है फूलों से, देख क्वेश्चन सुनो, क्या पूछता है फूलों से, यार तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है, तुम कहाँ हो, तुम तो लोगों के गले में मतलब कि सरताज ताज बन करके घूम रहे हो, भगवान के चरणों में, भगवान के शीश में तुमको चढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो क्या पता है क्या बोला फूल, तुम्हें पता नहीं है इसके लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं ना। वो क्या बोलता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है, याद रखना इस चीज को। वो फूल कितना सुंदर जवाब दिया है पता है, अरे तुम्हें पता है हमको इसके सिर का ताज बनने के लिए, इसके गले का ताज बनने के लिए इन लोगों ने क्या किया है, मुझे कहां कहां से सुई धागा को घुसेड़ घुसेड़ करके बनाया है इस फूल के, इसका दर्द सहा कौन है, मैंने उसका दर्द सहा है तब आज जा करके इसके सिर का ताज बना हुआ। तो लोग कैसे समझ जाते हैं, अरे तू फूल है, तुमको माला पहना करके तुमको सर पे सजाया गया है। सोचो कि वो सजा है तो क्यों सजा हुआ है, उतना मेहनत करके गया है तब ना, अरे उसको सुई जब चुभाया गया होगा, कहां कहां से सब चुभाया है, समझ रहे हो ना, और उसके बाद से धागे में लपेट करके उसको क्या किया गया, तब तो उसको पहनाया गया है, या ऐसे ही पहना दिया गया है। संघर्ष करो, संघर्ष करोगे ना तो दुनिया तुम लोग को सलाम ठोकेगी, ठीक है। तो चलिए वो खैर दूसरी बात है, लेकिन क्या है कि पढ़ाई करो तो थोड़ा सा जुनून और मेहनत होनी चाहिए, ठीक ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है आरएनए में, ये जो आरएनए है ना इसके अंदर तीन गो चीज होता है, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है और आरएनए होता है, ठीक ना। अब सबसे पहले हम आप लोग को, इससे पहले वाला क्लास जो हुआ था ऑफलाइन था वो, ठीक ना, उसमें आप लोग को हम बता चुके थे क्या पहचान होता है, ये मैसेंजर होता है जी, मैसेंजर मतलब क्या होता है, मैंने मैसेज को दूसरे जगह भेजना और लाना, यही ना होता है। तो ये मैसेंजर हो गया और ये ट्रांसफर हो गया और ये राइबोसोम हो गया, ठीक ना। तो सबसे पहले इन तीन चीज़ों को हम समझेंगे, घिसर घिसर मत करो, ठीक ना। अब देखिए ये कहाँ पे रहता है, आप लोगों को हम एक चीज़ बताए हुए थे, हल्ला मत करो। सबसे पहला जो मेरा इसमें वीडियो था वो कौन सा वीडियो था, हिचकी क्यों आती है, हाँ हिचकी क्यों आती है, हम बताए थे ना। तो उसमें एपिग्लोटिस क्या करता था, वो निर्णय लेता था कि हवा आया है भैया या पानी आया हुआ है ना। तो इसमें जो होता है ना, इसमें देखो ये शांति से एकदम खड़ा रहता है, वहीं पर शांति से खड़ा रहता है। ये आरएनए जो रहता है ना, एक और सभी पार्टी के आदमी है, ठीक ना, सब आराम से खड़ा रहता है। बात को समझना तुम लोग कि हमको क्या करना है, इसी को काम मिला रहता है, कौन, 10 गो अमीनो अम्ल को चुन करके एकरा लगे पहुंचाना, राइबोसोम के पास पहुंचाना, किसके पास पहुंचाना, राइबोसोम के पास। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले अरे अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम दिया जाता है। ये मैसेंजर भाई साहब को कौन सा काम मिला हुआ है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो आ रहा है ना पहचान करोगे, ठीक ना, कि कैसन वहां से आ रहा है, ठीक ना। वो क्या करेगा, खड़ा होकर के एकदम टुकुर टुकुर झांकते रहता है ना, कि क्या खा रहे हो तुम, खाने में क्या जा रहा है। हम बताए थे ना, अगर खाने में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी ना तो अनेक प्रकार का बीमारी होता है कि नहीं होता है, होता है। तो क्या करता है, पहचान करता है, और पहचान करता है जैसे बोलता है आ गया है, कौन आ गया है, कुछ अमीनो अम्ल आ चुके हैं, ठीक ना। ये डायरेक्ट मैसेज भेजता है किसके पास, आ जाओ लेकर के चलना है। यही तो ट्रांसफर का काम करता है ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, टीआरएनए करता है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है टीआरएनए करता है। अब जैसे ये मैसेज दिया ये भाई साहब को, ये आए और क्या किए, लेकर के चलना प्रारंभ कर दिए, क्या किए, लेकर के चलना प्रारंभ कर दिए। अब बताओ कि अभी तुम लोगों को बोले थे अरे गेहूं जाएगा पिसाने के लिए, जब तक घर पे नहीं जाएगा रोटी बनेगा नहीं बन पाएगा ना। तो क्या करोगे, ये पहचान किया और बुलाया इस टीआरएनए को, और ये आया और क्या किया, ये डायरेक्ट भेज दिया किसके पास, राइबोसोम आरएनए के पास। और जब इसके पास गया ना तो क्या किया, वहां पर जाकर के प्रोटीन बन रहा है ना। तो अब बताओ तू लोग तो सिर्फ जानता था कि राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, तो उसके अंतर्गत ये तो सारे चीज आते हैं ना, ये सब लोग मिल करके ही क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक ना।
और एक चीज जान लो, जैसे तुम लोग इसमें जाना था क्या कि एडेनिन जो होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, तो इसी प्रकार से आरएनए का भी कुछ पदार्थ होता है जिसे हम तुम लोग को बता दिए क्षार बोलते हैं, ठीक ना। तो क्षार जो इसमें कौन कौन होता है, एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, एरेसिन नहीं होता, ये मिस्टेक हुआ है, ठीक ना। ये होता है यूरेसिन होता है, ठीक ना। क्या होता है? यूरेसिन होता है। अब देखिए इसमें जो इसकी संरचना थी डबल हेलिक्स थी और ये क्या है, सिंगल हेलिक्स है, ठीक ना। तो ये इसकी संरचना है और ये इसकी संरचना है, ठीक ना। तो आरएनए होता कहाँ है ये बताइए, कौन अरे आरएनए तो उसी में ना होता है, डीएनए क्या होता? नहीं देखो, डीएनए और आरएनए ये दो भाग होता है और ये कहाँ पे होता है, ये सब न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, ठीक ना। डीएनए भी उसी में होता है और आरएनए भी उसी में होता है, ठीक ना। और राइबोसोम के बारे में बता दिए थे, लेकिन राइबोसोम के बारे में हम आप लोगों को बताए हैं ऑफलाइन, कभी ऑनलाइन भी उसको क्या कर देंगे, कर दिया जाएगा। जो इससे बच्चे जुड़े हुए हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी क्या करेंगे, इसको देख करके फायदे उठाएंगे। तो आई होप कि आप सबको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसके बाद से शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।